2007 का वक्त था और फिल्म फेयर अवार्ड का मंच सजा हुआ था। सैफ अली खान भी सेलिब्रिटीज की भीड़ में बैठे हुए थे। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आए 16 साल हो चुके थे, पर एक बार भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड उनके नसीब में नहीं आया था। इस बार तो नॉमिनेशन भी नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल थी। मन में वही कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस जो 1991 में पहली फिल्म करते वक्त आया था कि मैं फिल्म लाइन में काम कर सकता हूँ। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले पॉपुलर कप्तान थे। उनके दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी भी भारतीय टीम के कप्तान रह चुके थे। हरियाणा के पटौदी गांव के नवाबों के खानदान के वारिस सैफ अली खान पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लैंड में ही रहे। उनका बचपन वहीं बीता। यूं तो परिवार में रुपए पैसे की कोई कमी न थी, फिर भी उनके पिता का सख्त हुक्म था कि सैफ के दोस्तों को जितना पैसा उनके घर वाले जेब खर्च के लिए देते हैं उतना ही पैसा उन्हें भी दिया जाए। अच्छा, ये भी बताते चले कि सैफ यूं तो बहुत ही सीधे नेचर के हैं, उन्हें ज्यादा चालाकियां नहीं आती, लेकिन अब खर्चों का क्या करे। पैदा दिल्ली में हुए थे और रहते इंग्लैंड में थे, यानी जुबान चटोरी है और शहर महंगा है, ऊपर से नवाबी खून। तो मौका पाकर सैफ अपने पिता के नोटों के बंडल से अक्सर एक आधे पौंड उड़ा लिया करते थे। एक बार उन्होंने माँ शर्मिला टैगोर के पर्स में ही हाथ साफ करने की कोशिश की तो पकड़े गए। वो एक एक पैसा गिन के रखती थी, बस फिर क्या था, पड़ गए चार हाथ। पर माँ के हाथों के साथ साथ उन्हें दिल भी माँ का ही मिला था, इसीलिए क्रिकेट की बजाय सैफ को एक्टिंग में करियर बनाने का मन होने लगा। हालांकि इंग्लैंड में पढ़ने के बाद उन्होंने 2 महीने दिल्ली में जॉब भी की, लेकिन बात जमी नहीं। फिर नवाब साहब ने उन्हें मुंबई ही भेज दिया। सन 1991 में राहुल रवेल की फिल्म बेखुदी में उन्हें लीड रोल मिला और उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी। सैफ अपने तुरंत मिले ब्रेक से खुश हो ही रहे थे कि राहुल रवेल ने उन्हें फिल्म से यह कहकर निकाल दिया कि सैफ अली खान को अभी डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है, पर बेखुदी के सेट पर उन्होंने कुछ और ही सीख लिया। दरअसल हुआ ये कि यहीं पर उनकी नज़र अमृता सिंह से टकराई और इन दोनों ने दुनिया की परवाह ना करते हुए उसी साल 1991 में शादी कर ली। शादी होते ही सैफ की किस्मत खुली और उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा से डेब्यू करने का मौका मिला। इसी साल उनकी 2 और फिल्म आशिक आवारा और पहचान भी रिलीज हुई, पर बदकिस्मती से तीनों फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म परंपरा के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। सैफ को लगा कि अब यहाँ से जर्नी आसान हो जाएगी और एक समय आएगा जब उनके पास अवार्ड्स ही अवार्ड्स होंगे। लेकिन यश चोपड़ा ने फिर भी उन पर भरोसा रखा और अक्षय कुमार को साथ जोड़कर ये दिल लगी बनाई, जो अच्छी हिट हुई। इसके ठीक बाद मैं खिलाड़ी तू अनारी भी रिलीज हुई, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सैफ की फिल्में तो हिट हुई, पर उन्हें पहचान सपोर्टिंग आर्टिस्ट या सेकेंड लीड के तौर पर मिली। इसके बाद लगातार 4 साल तक सैफ फिल्में करते रहे और फिल्म पिटती रही। एक थरा जा, सुरक्षा, कीमत, तू चोर, मैं सिपाही आदि ढेरों फिल्में आई और गई। अब इसे कमाल कहेंगे या नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर का रसूख कि सैफ को फिल्में फिर भी मिलती रही। यहाँ तक कि क्रिटिक ने यह भी कह दिया कि सैफ का कैरियर अब खत्म है। उनके पास साल 1999 में आने वाली कुल 4 फिल्में बची थी, जिनमें यह है मुंबई मेरी जान फ्लॉप और आरजू थोड़ी बहुत सक्सेस हुई थी। यह अक्षय कुमार के साथ उनकी 5वीं फिल्म थी। लेकिन इसी साल अजय देवगन के साथ नुसरत फतेह अली खान के म्यूजिक में सजी थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई, कच्चे धागे। इस फिल्म ने नेम, फेम और मनी तीनों आयामों से सैफ की झोली भर दी। हालांकि बहुत से क्रिटिक यह भी कहते मिले कि सैफ अजय देवगन की छाया में दब गया है, पर इस फिल्म के हिट होने से सैफ के कैरियर एंड पर लगते सवाल समाप्त हो गए। इसके ठीक बाद हम साथ साथ हैं रिलीज हुई। इसमें बहुत बड़ी कास्ट के साथ सैफ अली खान भी मौजूद थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साल 1999 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने प्रीति जिंटा के साथ क्या कहना नाम की अच्छी फिल्म की, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इन्हीं दिनों फरहान अख्तर अपनी पहली फिल्म के लिए कोई चुलबुला लड़का ढूंढ रहे थे। यहाँ सैफ के साथ आमिर खान और अक्षय खन्ना थे। साल 2001 फिल्म दिल चाहता है भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इस बार सैफ एक नहीं बल्कि 2-2 को स्टार की परछाइयों में दब के रह गए। इसी साल फिल्म रहना है तेरे दिल में भी रिलीज हुई और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन इसका सारा क्रेडिट साउथ एक्टर आर माधवन ले गए। यही हुआ जब शाहरुख खान के साथ करण जौहर की फिल्म कल हो ना हो में सैफ के रोल की तारीफ तो हुई, पर फिल्म के हिट होने का सारा क्रेडिट शाहरुख खान ले गए। सैफ अक्सर फिल्मफेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट होते थे, लेकिन दिल चाहता है कि बेस्ट कॉमेडियन और कल हो ना हो के बेस्ट सपोर्टिंग के अलावा उनके पास अवार्ड्स नहीं आते थे।
सबको लग रहा था कि सैफ अब सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट में ही नजर आएंगे। लेकिन साल 2004 में कुछ बदलाव हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने शादी के 13 साल और दो बच्चे होने के बाद अमृता राव से अलगाव कर लिया। दूसरा, उनके करियर ने टर्न लिया। उन्होंने श्री राम राघवन की फिल्म एक हसीना थी में जबरदस्त काम किया, पर इस फिल्म के कामयाब होने का सारा क्रेडिट फिल्म की लीड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ले गईं। लेकिन साल 2004 में ही कुणाल कोहली की फिल्म हम तुम के लिए उन्हें सीधे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल गया। हालांकि नेशनल अवार्ड जूरी को इस फैसले के लिए बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वहीं फिल्मफेयर ने फिर एक बार सैफ के हाथ इसी फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड थमा दिया। अगले साल परिणीता, सलाम नमस्ते और बीइंग साइरस में सैफ की तारीफ तो बहुत हुई, पर ना ये फिल्म चली और ना सैफ किसी अन्य एक्टर की शेडो वाले टैग से बाहर निकल सके। इसी साल विशाल भारद्वाज विलियम शेक्सपियर के फेमस नाटक ओथेलो पर अपनी दूसरी फिल्म बनाने की घोषणा कर चुके थे। इस फिल्म में 3 लीड एक्टर्स होने वाले थे, जिनमें से एक अजय देवगन टाइटल रोल के लिए फाइनल हो चुके थे। तीसरे रोल में विवेक ओबरॉय फिट बैठ रहे थे। दूसरा रोल जब सैफ को ऑफर हुआ तो वो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें याद था कि कच्चे धागे में सारी लाइमलाइट अजय देवगन की ओर चली गई थी। आखिर अजय है भी पावरफुल एक्टर। लेकिन सैफ विशाल भारद्वाज को मना भी नहीं कर सकते थे। 2007 में उसी फिल्म के सदके फिल्मफेयर अवार्ड्स में पहली बार सैफ बेस्ट विलन की कैटेगरी में नॉमिनेट थे। लेकिन इन नॉमिनेशन में नसीरुद्दीन शाह और बोमन ईरानी जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल थे, फिर भी सैफ निश्चिंत थे। फिर जब अनाउंस हुआ बेस्ट विलन अवार्ड्स गोज टू सैफ अली खान, तो सैफ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। मन में संतोष हुआ कि बेस्ट हीरो नहीं बन सका तो क्या हुआ, बेस्ट विलन तो मैं ही रहा ना। ओमकारा के उनके कैरेक्टर लंगड़ा त्यागी में कुछ ऐसी ही बात थी, जिसने अजय देवगन के ओमकारा जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बौना कर दिया था। सैफ की चाल, रंग ढंग, बोल चाल सब ऐसी बदल गई थी कि ओमकारा में उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। इसके बाद सैफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूं समझिए कि कोई 16 साल बाद उनको ऐसी कामयाबी हाथ लगी कि दुनिया उनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई। तब से लेकर अब तक सैफ लव आजकल, कुर्बान, आरक्षण, गो गोवा गॉन, फैंटम आदि एक से बढ़कर एक कॉमर्शियल फिल्में दे चुके हैं। तो 8 फिल्म्स में भी सैफ और लाल कप्तान जैसी फिल्मों में भी दर्शकों ने उनका हुनर का लोहा माना है। 2012 में 5 साल के कोर्टशिप के बाद सैफ ने करीना संग शादी कर ली और आज करीना कपूर संग उनके 2 बेटे तैमूर और जहांगीर भी हैं। 2017 में विक्रम चंद्रा के नॉवेल सेक्रेट गेम्स पर उनका सिख किरदार सरताज भी दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया था। पिछले साल अजय देवगन के साथ रिलीज हुई सैफ की तीसरी फिल्म तानाजी 2020 की मोस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। सैफ फिर एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीत गए थे। लेकिन अपने कैरेक्टर से उलट सैफ बहुत सिंपल आदमी हैं। जब वो अपने गांव पटौदी जाते हैं तो उन्हें छत पर दादी के साथ सोना पसंद है। अपने बेटे तैमूर के साथ कभी कभी ऑटो में भी सैर करने निकल जाते हैं, तो कभी घंटों वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। हम मायापुरी ग्रुप की तरफ से सैफ अली खान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और विश करते हैं कि उनकी आने वाली फिल्में भूत पुलिस, बंटी बबली 2 और आदि पुरुष सुपर डुपर हिट जाए। अभी जो आपने कहानी सुनी ये सिद्धार्थ अरोरा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।